कुत्ते उस कुएं में गिर गए और मर गए। अब बताइए जिस कुएं में दो कुत्ते गिर के मर गए हो, उस कुएं का पानी आप पियोगे नहीं पियोगे ना। अब वो पंडित जी के पास गए, वहीं पर मौलवी बैठे हुए थे, दोनों से पूछा क्या करें, एक ही कुआ है, हिंदू मुसलमान उससे पानी भरते हैं, दो कुत्ते मर गए हैं, क्या करें। पंडित जी ने कहा गंगा जल लाया था हरिद्वार से, उसमें गंगा जल डाल दो। मौलवी जी ने कहा मैं हंस गया था, जमजम का पानी लाया था उसे डाल दीजिए। अब दोनों ने डाल दिया, पर 10-12 दिन के बाद हिंदू मुसलमान दोनों आए, मुंह लटका हुआ था। मौलवी पंडित जी संयोग से एक ही जगह बैठे हुए थे, उन्होंने कहा क्या बात है। उन्होंने कहा अब तो बदबू आती है पानी में, मतलब सब बीमार पड़ गए हैं, मतलब हम पानी पी नहीं सकते। अरे आपने गंगा जल डाला, जमजम का पानी डाला। लोगों ने कहा हाँ डाला। हम मौलवी और पंडित जी ने कुछ बात की, उसके बाद में बाहर आए, उन्होंने कहा ये बताइए गंगा जल प्रजोगी आपने जमजम का पानी डाला। उन्होंने कहा डाला। तो उन्होंने कहा एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, उसमें जो कुत्ते मरे पड़े थे दो, वो निकाले कि नहीं निकाले। उनका वो तो नहीं निकाले, वो तो उसी में पड़े हैं। मौलवी और पंडित जी ने कहा जब तक उस कुएं से दो कुत्तों को नहीं निकालोगे तब तक तुम्हारा कुआं पवित्र नहीं होगा। दो मरे हुए कुत्तों को निकालना पड़ेगा मिलकर के सबको, हिंदू और मुसलमान को निकालना पड़ेगा दोनों कुत्तों को। अब वो दोनों कुत्ते राजनीति में कौन है मैं नाम नहीं बता सकता।